हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ओपीजी मशीन मतलब आज के वीडियो में ओपीजी मशीन के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में ओ का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री और ओ मशीन के प्रिंसिपल की बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओपीजी मशीन के बारे में कंपोनेंट्स ऑफ ओपीजी मशीन ओपीजी मतलब ऑर्थोपेंटोमोग्राफी होता है ओपीजी मशीन में चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट है ट्यूब हेड सेकंड है हेड सपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइस थर्ड है इमेज रिसेप्टर फोर्थ है कंट्रोल पैनल इन सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में जानेंगे ओपीजी का फर्स्ट कंपोनेंट्स है ट्यूब हेड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह ओपीजी है मशीन्स का ट्यूब हेड होता है सिमिलर टू इंट्रा एक्सरे ट्यूब हेड मतलब इंट्राओरल एक्सरे ट्यूब हेड के सिमिलर होता है द ट्यूब हेड हाउस द एक्सरे ट्यूब मतलब ट्यूब हेड हाउस में एक्सरे ट्यूब होती है द ट्यूब हेड इज मेड ऑफ मेटल एंड लाइनेड विद लेड ऑफ प्रिवेंट लीकेज रेडिएशन मतलब एक्सरे ट्यूब हेड मेटल से बना होता है और जो एक्स रे ट्यूब से लीकेज रेडिएशन होती है उसे रोकने के लिए लेड के साथ एक लाइन में होता है द हेड इज फिक्स्ड इन पोजिशन एंड रोटेड बिहाइंड द पेसेंट हैड मतलब जो पेशेंट का हेड होता है वह है एक पोजिशन में फिक्स होता है और एक्सरे ट्यूब पेशेंट के हेड के पीछे चारों ओर रोटेट करती है ओ पी एक्सरे ट्यूब में फाइव इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें फिलामेंट फॉक्सिंग कप एनोड फिल्टर्स एंड कोलिमीटर इन सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल में जानते हैं एक्सरे ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन मतलब फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है द फिलामेंट इज कनेक्टेड विथ ए इस्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मतलब एक्सरे ट्यूब का फिलाेंट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड होता है द फिलामेंट इज हिटेड सो इट इमिट इलेक्ट्रॉन्स मतलब फिलाामट को हीटेड मतलब फिलाेंट को गर्म किया जाता है इसलिए फिलाेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं एक्सरे ट्यूब का सेकेंड पार्ट है फॉक्सिंग कप मेड ऑफ मोलिबेडनम मतलब फॉक्सिंग कप मोलिबिडनम का बना होता है इट फॉक्सेज द इलेक्ट्रॉन ऑन द एनोड मतलब फॉक्सिंग कप एनोड पर इलेक्ट्रॉन को फोकस मतलब केंद्रित करता है एक्सरे ट्यूब का थर्ड पार्ट है एनोड कॉन्सिस्ट ऑफ टंगस्टन मतलब एनोड टंगस्टन से बना होता है एम्बेडेड इन ए कॉपर स्टेम मतलब एक्सरे ट्यूब का एनोड कॉपर स्टेम में एम्बेडेड होता है ओ में एनोड एंगल 5 से 10 डिग्री होता है और फोकल स्पॉट साइज 0.5 पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट होता है द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड विल स्ट्राइक ऑन द एनोड टारगेट एंड प्रोड्यूस द एक्सरे मतलब एक्सरे ट्यूब में कैथोड से इमिट इलेक्ट्रॉन एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं और टारगेट एक्सरे को प्रोड्यूस करता है एक्सरे ट्यूब का फोन नंबर पार्ट है फिल्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम एक्सरे ट्यूब का फिल्टर एल्यूमिनियम से बना होता है फिल्टर इज अटैच टू द ट्यूब हेड मतलब फिल्टर ट्यूब हेड से जुड़ा होता है इट एब्जॉर्व अननेसेसरी एक्सरे ऑफ द लोंगर वेवलेंथ मतलब एक्सरे ट्यूब में फिल्टर का काम यह होता है कि यह लॉन्गर वेवलेंथ के अननेसेसरी एक्सरे को एब्जॉर्व करता है द टोटल फिल्ट्रेशन इज 2.5 पॉइंट फाइव एम इक्विवेलेंट मतलब ओ एक्सरे ट्यूब का टोटल फिल्ट्रेशन 2.5 पॉइंट फाइव एम एम एल्यूमिनीम होता है एक्सरे ट्यूब का फाइव नंबर पार्ट है कॉलीमीटर मेड ऑफ लेड कॉलीमीटर लेड से बना होता है इट इज़ ए डिवाइस यूज टू लिमिट और रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ एन एक्सरे बीम मतलब कॉलीमीटर एक्सरे बीम के साइज़ को लिमिट करने में और रेस्ट्रिक्ट मतलब एक्सरे बीम को प्रतिबंधित करने के लिए कॉलीमीटर का यूज किया जाता है द नैरो एक्सरे बीम इमरजेज फ्रॉम द कोलीमीटर विच मिनिमाइज द पैसेडोज मतलब जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम निकलती है तो निकलने वाली नैरो बीम कॉलीमीटर से निकलती है जिससे डोज कम होता है ओपीजी मशीन का सेकेंड नंबर कंपोनेंट्स है हेड सपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइस इस कंपोनेंट्स में तीन डिवाइस होती है फर्स्ट है चिनरेस्ट सेकंड है नॉच्ड बाइटिंग डिवाइस थर्ड है लेटल हेड सपोर्ट तो सबसे पहले फर्स्ट डिवाइस की बात करते हैं चिनरेस्ट इस डिवाइस के नाम से ही पता चल रहा है कि यह डिवाइस पेशेंट की चिन मतलब ठुड्डी रखने के लिए होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह वाला पार्ट चिन रेस्ट सपोर्ट के लिए होता है इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक मतलब जो चिन रेस्ट होता है यह है प्लास्टिक का बना होता है इट इज़ यूज टू द प्लेस पेसेंट चिन टू मेक द हेड रिमेंस स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर मतलब ओ करते टाइम पेशेंट के हेड को एक जगह स्थिर रखने के लिए और चिन को रखने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है सेकेंड डिवाइस है नोच्ड बाइटिंग डिवाइस इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक यह डिवाइस प्लास्टिक से बनी होती है इट इज यूज टू सेट द एनाटोमिकल रीजन एट द इमेज लेयर इस डिवाइस का यूज इमेज लेयर पर पेशेंट के एनाटोमिकल रीजन को सेट करने के लिए किया जाता है द पेसेंट जेंटली होल्ड द नोचड विद इंसाइजर्स मतलब पेसेंट नोचड बाइटिंग डिवाइस को इंसाइजर्स मतलब पेशेंट अपने क्रिंतक टित से इस डिवाइस को पकड़ता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पेशेंट इस प्रकार से इस नोचड बाइटिंग डिवाइस को पकड़ता है जिससे पेशेंट का हेड एक जगह स्थिर रहता है थर्ड नंबर डिवाइस है लेटरल हेड सपोर्ट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह वाला पार्ट लेटरल हेड सपोर्ट होता है इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक यह प्लास्टिक से बना होता है दे मेक द हेड रिमेन्स स्टिल ड्यूरिंग द एक्सपोजर मतलब यह सपोर्ट एक्सपोजर के दौरान पेशेंट के हेड को एक जगह स्थिर बना के रखता है अब ओ का थर्ड नंबर कंपोनेंट्स है इमेज रिसेप्टर इमेज रिसेप्टर में भी थ्री कंपोनेंट्स होते हैं ओ कैसेट ओपीजी फिल्म और इंटेंसिफाई स्क्रीन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओ मशीन में इस जगह है, इमेज रिसेप्टर लगा होता है तो इमेज रिसेप्टर का फर्स्ट नंबर कंपोनेंट्स है ओपीजी कैसेट यूज टू होल्ड द एक्स्ट्रा ओरल फिल्म एंड इंटेंसिफाई स्क्रीन मतलब ओ कैसेट का यूज एक्स्ट्रा ओरल फिल्म और इंटेंसीफाई स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किया जाता है इट इज मेड ऑफ नाइलॉन फैब्रिक ओपीजी कैसेट नाइलॉन फैब्रिक से बना होता है इट इज ए लाइट टाइट डिवाइस एंड प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम लाइट मतलब ओपीजी कैसेट एक लाइट टाइट डिवाइस है और यह फिल्म को लाइट से प्रोटेक्ट करती है ओपीजी कैसेट इज पाउच सेप्ट जो ओपीजी कैसेट होती है वह पाउच सेप्ट की होती है वन एंड ऑफ द कैसेट इज क्लोज एंड अनोदर इज ओपनेड मतलब ओपीजी कैसेट इस प्रकार से बनी होती है कि उसका एक एंड ओपन होता है और दूसरा एंड क्लोज होता है इन विच द फिल्म इज प्लस्ड बिटवीन टू इंटेंसिफाई स्क्रीन मतलब ओपीजी कैसेट में फिल्म को दो इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में रखा जाता है ओपीजी में टू टाइप की कैसेट का यूज किया जाता है फर्स्ट है रिगिड कैसेट सेकेंड है फ्लेक्सीबल कैसेट फ्रेंड्स रेडियोग्राफिक कैसेट का वीडियो अलग से बना रखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप रेडियोग्राफिक कैसेट का वीडियो देख सकते हैं इमेज रिसेप्टर का सेकंड नंबर कंपोनेंट सा ओपीजी फिल्म स्क्रीन फिल्म इज यूज मतलब ओपीजी में स्क्रीन फिल्म का यूज किया जाता है ओपीजी में दो साइज की फिल्म का यूज किया जाता है एक है फाइव इंटू इंच और सेकेंड है सिक्स इंटू फिफ्टीन इंच इन दोनों साइज की फिल्म का यूज ओ में किया जाता है फिल्म इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंटेंसिफाई स्क्रीन इन ए कैसेट होल्डर मतलब ओ फिल्म को कैसेट होल्डर में लगी दो इंटेंसिफाई स्क्रीन के बीच में रखा जाता है सेंसिटिव टू लाइट इमिटेड फ्रॉम इंटेंसिफाई स्क्रीन मतलब फिल्म इंटेंसिफाई स्क्रीन से इमिटेड लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है इमेज रिसेप्टर का थर्ड नंबर कंपोनेंट्स है इंटेंसिफाई स्क्रीन फ्लेक्सिबल स्क्रीन आर यूज्ड। मतलब ओ में फ्लेक्सिबल स्क्रीन का यूज किया जाता है व्हेन दीज स्क्रीन आर एक्सपोज टू एक्सरे दे कन्वर्ट एक्सरे एनर्जी इनटू लाइट जब इंटेंसिफाई स्क्रीन एक्सरे के संपर्क में आती है तो यह स्क्रीन एक्सरे एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देती है टू टाइप ऑफ फॉस्पर यूजड इन स्क्रीन इंटेंसिफाई स्क्रीन में यूज होने वाले दो प्रकार के फॉस्पर होते हैं फर्स्ट है कैल्शियम टंगस्टेड यह ब्लू लाइट इमिट करते हैं सेकंड है रेयर अर्थ मटेरियल यह ग्रीन लाइट इमिट करते हैं और इनसे एक्सरे एक्सपोजर भी कम होता है ओ पी मशीन का लास्ट कंपोनेंट्स है कंट्रोल पैनल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस जगह ओ मशीन में कंट्रोल पैनल लगा होता है ऑन ऑफ स्विच एंड एन इंडिकेटर लाइट ओ कंट्रोल पैनल में ऑन ऑफ स्विच और इंडिकेटर लाइट होती है द कंट्रोल पैनल इन एक्सपोजर बटन कंट्रोल पैनल में एक्सपोजर बटन भी लगे होते हैं द एक्सपोजर टाइम रेंज फ्रॉम 2.5 अप टू 16 सेकेंड ओ में एक्सपोजर का टाइम 2.5 से 16 सेकंड तक का होता है के रेंज 60 अप टू 90 के मतलब ओ में के रेंज 60 से 90 के तक की होती है ओ में ट्यूब करंट रेंज 4 मिली एम से 12 मिली एम तक का होता है कंट्रोल पैनल में दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं फर्स्ट है हाई वोल्टेज सर्किट सेकंड है लो वोल्टेज सर्किट तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ओ प्रोसीजर के इंडिकेशन पेशेंट प्रिपरेशन और ओ कैसे की जाती है इसके बारे में पार्ट थर्ड में बात करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा